गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मैं आपके पाठ सांवले सपनों की याद इस पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, जिसके राइटर हैं जाविर हुसैन। सबसे पहले तो मैं राइटर के बारे में बताना चाहूंगी, राइटर का संक्षिप्त वर्णन करना चाहूंगी, जीवन परिचय का वो है, आप ध्यान से सुनिएगा, उसमें से क्वेश्चन आंसर आप फाइंड कर लीजिएगा। ओके हाँ बच्चों, तो जाविर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ। अब जाविर हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ? जाविर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ। ओके वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि वे कौन सी भाषा, तो अंग्रेजी भाषा, और साहित्य के प्राध्यापक रहे, और उन्होंने मतलब किस चीज के प्राध्यापक रहे, तो साहित्य के प्राध्यापक रहे। ओके सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। अब जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित कब हुए? 1977 में। कब हुए? 1977 में। ओके उसके बाद और मंत्री बने, और वो किस पद पर आसीन हुए? मंत्री पद पर। कब? 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री पद पर आसीन हुए। ओके सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति रहे। सभापति बिहार विधानसभा के सभापति कब रहे? 1995 में। कब रहे? 1995 में। अब आगे जाविर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते थे। उनको तीनों भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था और उनमें समानता का अधिकार था। वो उन तीनों में ही क्या करते थे? लेखन करते थे। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा लोंगांग, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। ये उनकी हिंदी की रचनाएं हैं। ठीक है, उसके बाद अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। ठीक है, क्या प्रकट किया है उन्होंने? राजनीतिक और सामाजिक जीवन के अनुभवों को, और जो आम आदमी असंघर्षों से जूझता है उसको उन्होंने अपने साहित्य में प्रमुख स्थान दिया है। ओके उसके बाद संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित और प्रशंसित हैं। ठीक, उन्होंने किस किस पे लिखी गई? संघर्षरत आम आदमी, और जो चर्चित कुछ विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, बड़े आदमी होते हैं, उन पर उन्होंने डायरी लिखी। वो है बहुत चर्चित हुई उनकी डायरियां, है ना? ठीक है, जाविर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो उनकी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। उन्होंने डायरी शैली में लिखा है। ये जो सांवले सपनों का है, ये भी उन्होंने किस शैली में लिखा है? डायरी शैली में लिखा है। अब ये जो प्रस्तुत पाठ है, इसका थोड़ा सा निचोड़ मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है, प्रस्तुत पाठ सन 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। डायरी शैली में लिखा गया है, पर क्या है? संस्मरण है। ये एक तरह का सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। ओके सालिम अली का संस्मरण, सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा कैसी है? रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। बहुत अच्छी भाषा का
यूज किया है इन्होंने, जो हमारे दिल को छू जाती है। अब ये जो सांवले सपनों की याद, ये जो लेसन है सांवले सपनों की याद, इसका अभी तक मैंने क्या बताया, अभी तक इसके राइटर के बारे में बताया, अब मैं इसके सार पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। तो पहले आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि लेसन आपको स्वयं को पढ़ना है, मैं सिर्फ सार पर ही प्रकाश डाल पाऊंगी। ओके, तो ये जो प्रस्तुत पाठ है 1900 में लिखा गया है, मैंने अभी बताया था 1987 में लिखा गया है। ये किसके किसके द्वारा लिखा गया है, प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद। कौन सी शैली में लिखा गया, डायरी शैली में, जो संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है, ठीक है। अब जो सालिम अली का स्मरण करते हुए और लेखक ने एक व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है, ये भी मैंने आपको बताया था अभी, और ये जो है दिल को छू जाने वाला पाठ है, ठीक है। अब लेखक ने सालिम अली की सौ यात्रा का वर्णन किया है, उन्होंने बताया है, क्या बताया उन्होंने, उन्होंने बताया कि सालिम अली को उनके अनेक अपूर्ण सपनों के साथ बिना किसी रुकावट के अंतिम यात्रा पर ले जाया गया। उनकी यह यात्रा जीवन की दूसरी यात्रा आज भिन्न थी, वह तनाव और दुखों से भरी जिंदगी से जा रहे थे। उनकी जिंदगी काहे से भरी हुई थी, तनाव से भरी हुई थी, ऐसी जिंदगी से वो विदा ले रहे थे। वे प्रकृति में उसी तरह विलीन हो रहे थे जैसे कोई पक्षी अपना अंतिम गीत गाकर प्राण त्याग देता है, अनेक प्रयास करने पर भी वह जीवित नहीं हो सकता है, न ही कोई उसे जगाना चाहेगा। सालिम अली का कहना था कि लोग पक्षी, जंगल, झरनों आदि को प्रकृति की दृष्टि से ना देखकर आदमी की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है। आदमी पक्षियों के मधुर स्वर को सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता है। सालिम अली ऐसी ही अनुभवों को धारण करने वाले व्यक्ति थे। अब लेखक क्या कहता है, लेखक कहता है कि आज कोई वृंदावन जाए तो यमुना नदी का जल उसे वह इतिहास की याद दिला देता है जबकि वृंदावन में रासलीला होती थी, ठीक है, उसकी याद दिला देता है, ठीक है। उसकी कलकल ध्वनि जो है मन को मोह लेती है, गोपियों से शरारत की हुई कृष्ण की जो शरारत करते थे उसका अनुभव होता है। मक्खन की हंडियां फोड़ी जाती थी, दूध दही खाया जाता था, तो ये सब क्या, और जो कृष्ण की जो बांसुरी है जब वो बजाते थे तो क्या होता था, दिल की धड़कन तेज हो जाती थी जिससे पूरा वृंदावन संगीतमय हो जाया करता था। आज भी ऐसा लगता है कि जिस सुबह के समय भीड़ से भरी गलियों में कोई अचानक आगे आकर बांसुरी बजाएगा और सभी मंत्रमुग्ध होकर रुक जाएंगे। मतलब आज भी वहां जाओ तो ऐसा महसूस होता है कि अभी भगवान कृष्ण आएंगे, अब बंसी बजाएंगे और सब मंत्रमुग्ध होकर उनकी ओर खींचे चले जाएंगे। शाम के समय उपवन का माली पर्यटकों को बताता है कि ऐसा लगता है जैसे कृष्ण अभी आकर सब पर बांसुरी का प्रभाव डाल देंगे, लेकिन वृंदावन से कृष्ण की बांसुरी का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है ना, आज भी उनका प्रभाव वहां पर है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पुरातन कथाओं से क्या पता चलता है कि दुबले शरीर वाले सालिम अली के विषय में बताया गया है, उनके जीवन के 100 वर्ष पूरे होने में जरा सा समय बचा था, लेकिन यात्राओं की थकान और कैंसर जैसी बीमारी ने उनको मौत की ओर भेज दिया। अपने अंतिम समय तक वे पक्षियों की तलाश और देखरेख में लग रहे। यहाँ लेखक क्या बताता है, लेखक बताता है कि सालिम अली जैसा पक्षियों की देखभाल करने वाला
उन्हें कोई नहीं मिला। उनकी आंखें क्षितिज तक फैली प्रकृति को बांधने में सक्षम थी। वे प्रकृति के प्रभाव में न आकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने वाले व्यक्ति थे। वे स्वयं प्रकृति से आकर्षित नहीं होते थे, बल्कि प्रकृति उनके प्रभाव से आकर्षित हो जाती थी। ओके? इस दुनिया को बनाने में उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। इसके निर्माण में उनकी स्कूल की सहपाठी और उनकी जीवन संगनी तहमीना उनकी बहुत मदद करती थी, है ना। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, वो केरल की जो साइलेंट बेली है उसके रेगिस्तान को धूल भरी हवाओं से बचाने का अनुरोध किया था उन्होंने। चौधरी साहब उनके द्वारा बताए गए प्राकृतिक खतरों के विषय में मतलब जानकर भावुक हो गए थे। उन्होंने जब बताया कि ये जो साइलेंट वैली है ये धूल भरी हवाओं से क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो उन्होंने ये प्राकृतिक खतरे हैं यहाँ पर, तब उन्होंने जब ऐसा बताया तो वो बहुत ज्यादा भावुक हो गए। लेखक कहता है कि अब वे दोनों ही दुनिया में नहीं रहे, तो कौन ऐसा है जो नए भारत के निर्माण का संकल्प लेगा और दुर्गम और बर्फ से उपयुक्त स्थानों पर रहने वाले पक्षियों को बचाने का प्रयास करेगा। अब कोई भी व्यक्ति ऐसा बचा नहीं है। फिर लेखक बताते हैं कि सालिम अली ने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। लेखक को डीएच लॉरेंस की याद आती है, जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से उनके विषय में कुछ लिखने को कहा गया। वे कहती है कि वे अपने पति के प्रेम व्यवहार को शब्दों में बांधने में असमर्थ है, वो उनके बारे में नहीं लिख सकती हैं। उनका जीवन खुली किताब जैसा है, जिसे उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया भी उनसे कहीं अच्छी तरह से जानती है। मतलब उनकी जो छत पर बैठी हुई गौरैया है वो उनसे भी ज्यादा अच्छी तरह से उनके बारे में जानती है। सालिम अली पक्षियों के माध्यम से खोज के नए नए रास्ते अपनाते रहे और एक विशेष स्थान प्राप्त करने के बाद उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डगमगाया। वे प्रकृति अनुभव सौंदर्य से युक्त जीवन का प्रतिबिंब थे। अंत में लेखक बताता है कि सालिम अली का अथाह सागर के जो सालिम अली है वो अथाह सागर के समान थे। उनको जानने वाले लोग यही सोच रहे थे कि सालिम अली अपनी अंतिम यात्रा पर ना जाकर पक्षियों की खोज में जा रहे हैं और शीघ्र ही लौट कर चले आएंगे। सभी यही चाहते थे कि सालिम अली वापस उन सबके पास आ जाएंगे। इस तरह से सालिम अली जब चिर निंद्रा में सो गए, उसके बाद भी लोगों को यही लगा कि नहीं, वो वापस आ जाएंगे। अभी उनके शरीर से जो सांस गई है पुनः लौट कर आ जाएगी। यह तो हो गया आपका लेसन का सार। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको पीडीएफ या फिर अगले वीडियो में दूंगी। ओके?